नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मिल्किंग वीडियो लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के डेयरी फार्म से। इस झोटी का वीडियो हमने पहले नंबर पे ये बंदी हुई थी, खाली बाल्टी रणदीप भाई दिखा रहे हैं। दूध कितना बताया था रणदीप भाई वीडियो में? 21-22 किलो दूध जो है इन्होंने बताया था। और मिल्किंग के बहुत ही माहिर भाई हैं। मैं एक बार नज़दीक से पशमाने के बाद इसके थनों की क्वालिटी आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल मुट्ठी के साइज का बिल्कुल साफ सुथरा थन है। ये देखिए पीछे से बहुत ही बढ़िया, और पूंछ में थोड़े से बाल वाइट, और चुआई देखिए। एक बार नज़दीक से बैठ के मैं दिखा देता हूँ आगे बड़े थनों की। देखिए बहुत ही मोटी मोटी, जो हमारे देसी भाषा में बोला जाता है सिगरेट जितनी मोटी जो है वो धार आ रही है। बहुत ही बढ़िया। पीछे वालों की भी मारना भाई साहब एक बार। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अभी मिल्किंग करवा देते हैं इसकी। एक टाइम की मिल्किंग वैसे मोस्टली जो है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम लाइव ही चलाना पसंद करते हैं। एक टाइम की मिल्किंग करके मैं कहूँगा सत्यापित हम नहीं कर रहे हैं कि जो है दूध कितना है भैंस में। जो भी भाई भैंस लेना चाहते हैं, दो टाइम दूध देख के पशुधन खरीदना चाहिए। बार बार हम ये बात कहते हैं। क्यों रणदीप भाई? सही बात है भाई, ये किसी दूसरे ऊपर दोष नहीं देना चाहिए भाई, वो खुद आओ देखो। बिल्कुल, या विश्वास करो, पेड़ के पत्ते नहीं है पैसे। जब हम पैसे गिनते हैं डेयरी वाले को या पशु भैंस मालिक को, तो अगर उसमें 500 का या 100 रुपए का नोट कोई फटा हुआ आ जाता है तो वो वापिस कर देता है ना। बेटा पीछे तो ना पकड़े, पीछे से छेड़छाड़। तो आज रणदीप भाई के बच्चे भी जो हैं डेयरी फार्म पे आए हुए हैं। ये देखिए कितनी अगाड़ी होगी रणदीप भाई? भाई अगाड़ी है 2.5-3 किलो की। 2.5-3, ठीक है। भी हो सकती है। अभी भाई मैंने एक झोटी बेची है जिसकी मैं लाइव मिल्किंग करवाना चाह रहा था। हाँ हाँ, बस वही बात है, जिसका बिक्री का बिजनेस होता है ना वो रोक नहीं पाता जो इतनी पैसों का काम करता है। हाँ, नहीं तो मेरी उम्मीद ये थी 22 किलो दूध फर्स्ट टाइम झोटी रहती। 22 किलो? हाँ, मैंने 17 लीटर दूध बता के दी थी, 17-18 लीटर दूध तैयार था। लेकिन उसने भाइयों ने आके जब दूध सोला तो 100 ग्राम कम हुआ था 10 किलो का। शाम को खाली कर गए थे, जैसे हम इसको खाली कर दे। पंजाब गई है? हाँ भाई, और अभी भी उन भाइयों से मेरी बात हुई थी, कहते हैं यहाँ नहीं, ये बात कुछ खाया नहीं है 2 दिन से, फिर भी 18 लीटर दूध दे रही है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बिल्कुल शांत और शरीफ भैंस देखिए, साथ में कटड़ी है काफ़ी बढ़िया, बड़े साइज की, और लगभग 3 किलो दूध अगाड़ी में है। तोल के नहीं दिखा रहे हैं, आइडिया ही लगा रहे हैं, कोई भाई ये ना समझे। तोल देंगे रेफरेंस तौर पे, और कोई भी भाई आए यही दूध दोबारा आके तोल ले कभी भी, हो सकता बढ़ेगा ही भाई, कम थोड़ी होगा। हाँ हाँ, झोटी अगर मान लो बीमार नहीं होती तो भी दूध भी 24-25 किलो होता। ठीक है ठीक है। ये देखिए मिल्किंग वीडियो हम लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के डेयरी फार्म से। क्वालिटी वाली भैंसों के लिए भाई को जाना जाता है, बहुत ही शानदार पशुधन रखना पसंद करते हैं। और चुआई देखिए, ये होती है दूध निकालना। इनकी भाई की देखिए कोहनी भी नहीं हिल रही हैं, भैंस को भी नहीं पता चल रहा है कि दूध निकल रहा है कि नहीं, मुट्ठी से दूध निकाल रहे हैं। अंगूठे से भी बहुत सारे भाई अंगूठा दबा लेते हैं बीच। एक बार रणदीप भाई आगे वाले थन पे दिखाना अंगूठा, अंगूठे से कैसे निकालते हैं। एक थन पे दूसरे हाथ से पकड़ो। हाँ ये देखिए, इसको बोलते हैं अंगूठे से निकालना। इसमें जो है बस अब निकाल लो, इसमें जो है जो थन होता है, जो टीट्स होते हैं, उसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुट्ठी से जो दूध निकाला जाता है ऐसे निकलता है जैसे मिल्किंग मशीन से ही दूध निकल रहा हो। और चुआई बहुत ज़रूरी है अच्छी होना भैंस की। और मुट्ठी भी निकालने के भी कई तरीके होते हैं, कई भाई ये दूध निकालते हैं झटका मार के, हमारे से तो वो दूध ही नहीं निकलता ऐसे करके। हाँ, जितना जोर झटका लगाने में लगा रहे हो वैसे ही निकालो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैंने भी भाई बहुत सारी मिल्किंग वीडियो देखी है। हाँ, कहते हैं देखो विलेज पता नहीं क्या क्या टाइटल डालते हैं मिल्किंग वीडियो, वीडियो देखते हैं मिल्किंग का क्या मतलब, उनका क्या पर्पज़ है। 2.5-3 किलो दूध तो उन्होंने बाल्टी में निकाल रखा होता है, चलो यही दिखा रहे हो भाई दूध बहुत है भैंस में, वो भी पर्पज़ नहीं है ना। ये तरीका कि हाँ भाई लोगों को कुछ सिखा रहे हैं भाई दूध कैसे निकाले,
वो भी सिस्टम ठीक नहीं है और पता नहीं किस लिए वीडियो डाल देते हैं। और ज्यादातर लड़कियां लेडीज ज्यादा डालती हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए डालती है, क्यों डालती है ये नहीं पता चला। वीडियो में काफ़ी सारे चैनल तो ऐसे हैं रणदीप भाई जो घर की जो लेडीज हैं उनको आगे रख के फोटो वगैरह लेना, चलो वो तो अलग मैटर हो गया, अपनी अपनी सोच है, मैटर तो अलग है भाई, लेकिन कुछ मोटिव और पर्पस का होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिल्किंग वीडियो हम लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के डेयरी फार्म से। ये जो जोटी है दूसरे ब्यांत की शानदार पशुधन भाई के पास खड़ा है, बिल्कुल शांत और शरीफ, जहाँ पैर रखे थे वहीं जो है भैंस, चार बार कोशिश कर रही है टोहने की, उठा भी नहीं रही है, पैर भी नहीं उठा रही है, बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल शांत है। ये देखिए बाल्टी काफी बड़ी है, लगभग जो है बाल्टी को, हाँ जी 15 किलो की बाल्टी है। ठीक है ठीक है, तो जाग जुग बन के 11 किलो दूध होना चाहिए है? या 11 से ऊपर होगा? अच्छा 11 से भी ज्यादा है। तो ये देखिए जो बाल्टी होती है ना, हाँ हाँ, जो हमारे रोहतक में रखते हैं ओनली, हाँ हाँ हाँ, उसमें तो ये उसमें जाग भी ज्यादा बनते भाई, हाँ हाँ हाँ, कई कई डेयरी वाले भाई माप भी लगा के दूध निकालते हैं। ये देखिए लगभग जो है दूध खाली हो चुका है, बच्चे को नहीं छोड़ोगे भाई? एक मिनट रखे रखो बाल्टी नीचे। तो ये देखिए लगभग जो है दूध निकल चुका है जोटी का, ले आओ और फुल बाल्टी आ जाओ भाई, एक बार दिखा भी देते हैं, कांटे पर रख देते हैं। अच्छा बच्चे को छोड़ रख दो, रख दो, कांटा साफ नहीं है, बाहर है। हाँ हाँ। ये देखिए काफी बढ़िया जो है दूध, एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, आने दे, देखो पीछे चालू हो जाता है, एक मिनट नहीं नहीं हाँ जी जीरो बिल्कुल है। दस किलो 670 ग्राम, ठीक है चलो जितना भी है, नहीं बच्चे को छोड़ दिया भाई, हाँ 21 किलो दूध कोई कैसी तोल ले, किसी भी टाइम तोल ले। ठीक है तो इस भैंस की मिल्किंग वीडियो हम आपके लिए लेके आए, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी का पशुधन भाई के पास, खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म, ये देखिए आप ले सकते हैं। सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।